आज की वीडियो में हिकविजन DVR में फेस कैप्चर सेटिंग कैसे इनेबल करें ये सीखेंगे। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहां हमें आ जाना है अपने पीसी की स्क्रीन पर और हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है। यहां हमें डालना है अपने DVR या फिर NVR का IP एड्रेस। तो यहाँ मैं IP एड्रेस डाल देता हूँ। ये आपसे मांगेगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। तो जो भी आपके DVR या NVR का यूजर नेम पासवर्ड है वो डाल के आप इस DVR को लॉगिन कर दीजिए। तो यहाँ मैं अपने NVR को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने DVR या NVR के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पर। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे आने के बाद आपको अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है और नीचे जाते हुए आपको दिखाई देगा VCA। तो इस VCA पर आपको करना है क्लिक। VCA पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा बिहेवियर एनालिसिस के नीचे फेस कैप्चर का, तो इस पे आपको करना है क्लिक। तो हमने फेस कैप्चर पर क्लिक किया तो ये कैमरा डज नॉट सपोर्ट द फंक्शंस करके आ गया है। तो हमारा जो कैमरा ये सपोर्ट करता है हमें वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये कुछ कैमरे ही होते हैं जो फेस कैप्चर को सिलेक्ट करते हैं। तो हम अपना कैमरा नंबर 2 सिलेक्ट करते हैं। ये है सील्ड रीजन और ये हमारा 3 नंबर कैमरा है, ये भी हमारा फेस कैप्चर को डिटेक्ट करता है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें रूल पर जाना है। ठीक है, और ये आपका आगे इसके फेस कैप्चर का ऑप्शन है, इसे आपको इनेबल कर देना है। और ये रूल है, रूल को भी आपको इनेबल करना है। जहाँ भी आप ये बॉक्स ड्रॉ करेंगे उसके अंदर अगर कोई मूवमेंट होगी तो उस ऑब्जेक्ट का ये फेस डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और इससे आगे है सील्ड रीजन। सील्ड रीजन में भी आपको ये एरिया ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे ड्रॉ कर दीजिए जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये करने के बाद इसमें जो भी मूवमेंट होगी उसका फेस ये कैमरा कैप्चर करेगा। ठीक है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है इसलिए ये कैमरा अभी कैप्चर नहीं करेगा। तो ये थी इसकी सेटिंग जो हमने अभी की है। तो आप अपने हिसाब से ये आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बताई गई सेटिंग समझ में आ गई होंगी। और हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।